Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So finally, it's again 4 o'clock in the morning and we are leaving for Asansol. So chaliye video ko start karte hai. In the meanwhile, I'll tell you and brief you everything about the journey. But before starting the video, please make sure ki aap please channel ko subscribe kar lijiye, video pe like kijiye and drop in your lovely, delicious, travelicious comment. This is for you. I got this. I really wanted this. You know what is this? This is a birthday gift. No, do you know what is this? Oh, the journey started with a bang. Harun, thank you so much. I really wanted this. Thank you so much. So journey काफी special and surprising note से start हुई. चलिए आप लोगों को इस vlog की कुछ details दे देती हूँ. आज हम जा रहे हैं आसनसोल, which is a very beautiful and small city in West Bengal. ये काफी एक अच्छी tourist place भी है, like near to West Bengal. आप definitely अभी COVID के time पे you can plan a one day trip to आसनसोल. सुना है आसनसोल को the city of brotherhood भी कहा जाता है. अब वो क्यों कहा जाता है उसकी knowledge तो मुझे भी नहीं है, but जो मुझे पता है कि आसनसोल में काफी सारे चर्चेस एंड गुरुद्वारा है. सो उसी से आता है मेरा रीजन आसनसोल जाने का. लास्ट कुछ दिनों में मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं. लास्ट 2 साल की मेहनत का फल मुझे अभी मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑल यू पीपल लव एंड सपोर्ट. तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुद्वारे जाके बाबा जी के माथे टेक लूं. एंड दिस इज द ओनली रीजन आई एम ट्रैवलिंग टू आसनसोल. आसनसोल जाने से पहले मैंने एक पोल किया था ऑन इंस्टाग्राम, जहां मैंने आप सभी लोगों से, माई स्वीट फूड फैमिली से पूछा था कि आसनसोल में कोई जगह बताए टू ईट एंड टू विजिट. काफी सारे रिकमेंडेशन मिले. सो उसी रिकमेंडेशन के साथ आज मैं आसनसोल में खाने वाली हूँ और घूमने वाली हूँ. सो आसनसोल जाने के लिए हमने जो रूट पकड़ा हुआ है वो है दिल्ली रोड. कि दिस इज बाय रोड, हम अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं. इट इज़ अ वन डे जर्नी. सो एक दिन में मेरे से जितना कवर हो पाएगा मैं उतना कवर करूँगी. 7 मिनट्स फॉर अस टू रीच आवर फर्स्ट हॉल्ट. आई ऑनेस्टली फील दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यू नो, gazing at all the greenery around. We finally reached our first halt and this is Shaktigarh. Although I wanted to have at Balaji food park but it's closed, so we are going to have here. So ye hai Langcha Bhavan aur hum log abhi yahan breakfast kar rahe hain. Yahan par abhi hum kha rahe hain garma garam kachori and this is aloo and chhola ka sabzi, as you can see. There's a slight sweetness into the luchi. Aloo toh ekta mishti kheta. Bishon bhalo lagcha. This is really very good. Bahut khasta hai luchi. And sabzi is amazing. Sabzi mein there is combination of sweet and spicy. কিসে ডালের পুরি বোধ হয়, একটুখানি ডাল দেবে না, ছাতু ছাতু. চায় ইজ ওকে টাইমস টেস্টিং লাইক লিকার উইথ চিনি. ओके, इट इज़ एटलीस्ट नींद उड़ाने के लिए काफ़ी ठीक है. और ऑब्वियसली मैं शक्तिगढ़ आई हूँ और लैंचा नहीं खाऊँ तो कैसे हो सकता है. सो आई एम जस्ट ईटिंग दिस ओनली फॉर यू पीपल. इतना भी ज़्यादा मीठा और चाशनी वाला नहीं है. इट्स ऐप Nikla.
Aja. And voila, this is the picture. We all look so good. Thank you, Varun, for this. Baby. Zuzu, thank you so much. अब सब सुनो लांचा का स्टोरी. आप लोग भी लांचा का स्टोरी सुनो. अगर सही है तो कमेंट करो, गलत है तो रेक्टिफाई करो. सो लास्ट टाइम मैं जब एक बार आई थी यहाँ पर शक्तिगढ़, तो बालाजी फूड पार्क का एक एम्प्लॉय था जिससे मैं लांचा ले रही थी. उसने मेरे को बोला यहाँ पर शक्तिगढ़ में एक अंदर जाके कोई गाँव है, वहाँ पर एक राजा रहता था. तो वो राजा बोला कि अपना जो होता है ना खाना जो बनाता है, जो शेफ होता है लोगों का, उनको बोला कि कोई ऐसा मिठाई बनाओ जो दुनिया में बना नहीं है एंड कुछ डिफरेंट बनाओ. क्योंकि उस टाइम पे तो राजा महाराजा लोग ऐसे होते थे कि कुछ नया चीज़ बनाओ, कोई नया महल बनाओ या कोई नया मंदिर बनाओ या कुछ भी. तो वो बंदा ये वाला बनाया, ऐसा लंबा करके ऐसा लांचा जैसा शेप बना के लेके आया. अब राजा के पास लेके आया, राजा खाया, राजा को बहुत अच्छा लगा. लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि इसका नाम क्या रखा जाए इस मिठाई का, क्योंकि ये तो यूनिक मिठाई है. तो जो शेफ था, जो मिठाई वाला बंदा था, मिठाई वाले बंदे को क्या कहते हैं जो बनाता है, हलवाई. हाँ, तो जो हलवाई था, बिट्टू बड़े बिट्टू को बहुत पता हलवाई कहते हैं. तुम हलवाई था क्या पिछले लाइफ में? अपना बाल में हाथ देना बंद कर दे. तो वो जो हलवाई था वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, जिसने वो मिठाई इन्वेंट किया था. तो इस वजह से वो लंगड़ाता था, बोल के उस राजा ने उसका नाम ही रख दिया लांचा. सो तब से उसका नाम पड़ा लांचा और शक्तिगढ़ का राजा है स्केप द नेम. सो अगर स्टोरी सही है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर स्टोरी गलत है तो वो भी कमेंट करिएगा. एंड तुम लोगों को पता चल, तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे ना स्टोरी, प्राची एंड बिट्टू आस्क्ड मी. प्राची का स्टोरी क्या है? ये लोग गंदा चीज बोल रहे हैं, लांचा को लेके गंदा चीज बोल रहे हैं, खाने को लेके ऐसे नहीं बोलना. जी छी छी. दिस इज पानागढ़ मिलिट्री कैंप. काफी लंबा है, जब से जो चालू हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है. सो बेसिकली इधर से अगर नीचे से जाएंगे तो दुर्गापुर चला जाएगा. एंड वी हैव टेकन द ब्रिज, सो दिस इज गोइंग टू टेक अस टू आसनसोल. दुर्गापुर का फेमस जंक्शन मॉल काफी बड़ा है. सो बेसिकली दैट्स दुर्गापुर सिटी. यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखी है. एंड ये जो पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज दुर्गापुर स्टील प्लांट. देख रहे हैं ये, इज इट अ पोल्यूशन? इज इट अ पोल्यूशन? नो इट इजंट. एंड यहीं पर है दुर्गापुर का नया एयरपोर्ट. तो पहले एयरपोर्ट नहीं था क्या? तो पहले नॉर्मल ट्रेन या बस बाय कार, तो अभी एयरपोर्ट से भी दुर्गापुर आ सकते हैं. कितना पहले खुला एयरपोर्ट, कितना टाइम हो गया? ओके, या ही इज फ्रॉम दुर्गापुर. यस, हिज मॉम इज फ्रॉम दुर्गापुर. हिज नानी बड़ी इज दुर्गापुर है ना. वेलकम टू ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड. यहाँ तो और ज्यादा 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 ही ग्रीनरी है. फाइनली वी रीच्ड आसनसोल. इसको द सिटी ऑफ ब्रदरहुड क्यों बोलते हैं? हम लोग सोचे पहले थोड़ा गुरुद्वारे का दर्शन कर लेते हैं. सुना आसनसोल में गुरुद्वारे काफी फेमस है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं. आई डोंट नो कैमरा अंदर अलाउ होगा कि नहीं, सो मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ अब. गुरुद्वारे के दर्शन काफी अच्छे से हो गया. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट स्पॉट. दिस फूड फैम इराम खान _5 शी हैज सजेस्टेड मी अ लॉट ऑफ प्लेसेस. ऑब्वियसली और भी बहुत सारे फूड फैम ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, बट इन्होंने मुझे बकायदा हर एक चीज लाइक ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, लंच सब कुछ बताया. तो उसी में से हम सबसे फर्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, विच इज पार्क कैफे. सुना है वहाँ का रावा डोसा इज वेरी स्पेशल उनके हिसाब से. तो चलिए वहाँ का रावा डोसा खा के देखते हैं कैसा है. ओए जस्मानक क्या जीता जारा. सो नाउ एज सजेस्टेड बाय इराम खान _5 हेयर इट कम्स माय रावा मसाला डोसा विच लुक्स क्वाइट बिग एंड टेम्पटिंग. इसके साथ है वी हैव गॉट सांबर, इसको मैं हटा लेती हूँ. एंड वी हैव गॉट द चटनी. दिस रावा डोसा इज लिटिल डिफरेंट. इसके अंदर आपको जीरा दिख रहा है. यूजली मेरे को रवा डोसा में जीरा, कोलकाता में मैंने रवा डोसा खाया हुआ है, बट मुझे जीरा कभी नहीं दिखा उसके अंदर. लेट मी सी द फिलिंग. दिस लुक्स लाइक अ पेपर शीट. लॉट ऑफ जीरा. हाँ, एंड जीरा इज गुड फॉर हेल्थ. एंड दिस इज द मसाला.
मसाला के अंदर जैसे आलू, गाजर, बादाम, राई, एवरीथिंग. दिस लुक्स क्वाइट टेम्प्टिंग. सो नाउ लेट्स जस्ट डिग इनटू द टेस्ट. वुडन डिश. काफ़ी ज़्यादा जीरा डालने की वजह से बहुत जीरा जैसा टेस्ट आ रहा है. टेस्ट काफ़ी अच्छा है एंड जीरा हेल्प्स इन डाइजेशन एज वेल. सो अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी. सांभर इज समथिंग आई जज अ साउथ इंडियन फूड विद इट सांभर एंड सांभर इज़ रियली वेरी फ्रेश. एज यू कैन सी आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा भिंडी दिया हुआ है एंड लौकी है. ऑल्सो पुट ब्रिंजल बैंगन भी दिया हुआ है. पाक कैफे इज़ बेसिकली साउथ इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट. यू गेट अ वराइटीज ऑफ इडलीज एंड डोसाज ऑफ योर. आप देख सकते हैं एक जो मेरे को बहुत डिफरेंट दिखा दैट इज़ चिल्ली इडली एंड एक है पुदीना मसाला डोसा. और एक चीज़ है यहाँ पर जो स्पेशल है दैट इज दे हैव फैमिली डोसा विच इज़ अ ह्यूज डोसा विच डेफिनेटली हम लोग इस बार नहीं खाने वाले हैं. नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे. ये मेरे पास आ गया है पाक कैफे स्पेशल डोसा. इसके अंदर इन्होंने कहा कि पनीर है, चीज़ है, मक्खन है. सो लेट्स सी हाउ. ओके दिस इज़ स्पेशल बिकॉज आप इसका फिलिंग देख सकते हैं. दिस पनीर, दिस चीज़, दिस काजू, दिस कड़ी पत्ता, आलू, प्याज, कैप्सिकम. वो दिस इज़ अमेजिंग. ओ दिस क्रिसमस. ओ माई गॉड क्वाइट अ गुड फीलिंग. ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. काजू डाल के मैंने कभी भी डोसा नहीं खाया है. किसमिस भी डोनो लाइक किसमिस बट जो किसमिस का मिठास है वो चीज़ एंड मक्खन के सॉल्टीनेस की वजह से बैलेंस हो जा रहा है. We have checked into this hotel called Mira International and the room looks quite good. It's exactly on the main road. So ye kafi acha hai. There's a table and the washroom looks quite good. And washroom is something which I really really want to look good. So अभी एक चीज़ बोलना था कि मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट हमने किया था दैट हैज़ कॉस्टेड अस रुपीज सम अराउंड 105 एंड हमने जो यहाँ खाया पाक कैफे में जो हमने खाना खाया व्हाट आर यू डूइंग वेट दैट हैज़ कॉस्टेड अस सम अराउंड रुपीज 355. बेसिकली जो पाक स्पेशल डोसा था वो 150 रुपीज का था एंड इफ मेरा ओपिनियन माना जाए देन आई विल से पाक स्पेशल डोसा वॉज डिलीशियस एंड मस्ट ट्राई. सो हम लोगों ने 2 घंटे की काफ़ी अच्छी पावर नैप ले ली है एंड ऑल ऑफ अस आर फीलिंग क्वाइट फ्रेश नाउ. आर यू आर फीलिंग फ्रेश? यस देयर इज नो नॉइज इन द वॉइस बिकॉज दे ऑल आर हंग्री. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू ईट आवर लंच. बाय द वे ये किसी ने सजेस्ट नहीं की थी, ये मैंने खुद खोजा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव सर्टन दिस काइंड ऑफ फूड. सो लेट्स सी वहाँ जाके खाना खा के देखते कैसा है. This is the place, quite a spacious restaurant and the interiors and the look is also good. So मैं यहाँ बैठ रही हूँ एंड जब मैं यहाँ बैठी थी तो यहाँ पर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था बट थैंक्स टू दिस पर्सन द अटेंडेंट असीम महांतो रियली ही वॉज सो जेनरस एंड काइंड टू स्विच ऑन ऑल द लाइट्स हियर सो दैट मेरा शूट अच्छे से हो सके, मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ खाना. सो चलिए खाना खाते हैं फिर बात. का जो मेन्यू है दे हैव इंडियन, दे हैव तंदूर, दे हैव चाइनीज. बेसिकली मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है. सो द थिंग्स विच आई हैव ऑर्डर्ड आर स्वीट कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, चिकन तंदूरी, मुर्ग हांडी बिरयानी, मटन रोगन जोश, तंदूरी रोटी, मिक्स्ड रायता. जो क्वान्टिटी आपको दिख रहा है सामने दिस इज़ 1/2 एंड आप देख सकते हैं द चंक्स ऑफ चिकन इज़ टू मच एंड द कॉर्न. दिस लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग एंड अपीलिंग. आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग ऑन टॉप बिकॉज ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है. द सूप में जो चिकन स्टॉक का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है. And after this tiring journey and travel, we desperately need something like this. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब वेरी रेयर प्लेसेज आते हैं जहाँ पर स्वीट कॉर्न सूप बहुत अच्छा बनता है बिकॉज स्वीट कॉर्न सूप जो होता है ना इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी बट नॉट एवरी वन कैन एक्सेल इट. ये आ गया हॉट एंड सार सूप एंड दिस लुक्स क्वाइट गुड. आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से ग्रीन चिलीज को काटा हुआ है. कैप्सिकम, दिस कैरेट, चंक्स ऑफ चिकन. And the best part, they have given this shiitake mushroom as well. So there's coriander. So this looks quite tempting. It's a good one, like a good hot and sour soup. At
अदरक का एक बहुत अच्छा क्रंच आ रहा है, ग्रीन चिली का भी बहुत अच्छा स्पाइस है। मेरा आँख नाक मुँह सब खुल गया है लिटरली। सो ये आ गया चिकन तंदूरी, इसके साथ वी हैव गॉट ग्रीन चटनी, वी हैव गॉट सम श्रेडेड सैलेड, अनियन एंड कैरेट, एंड आप देख सकते हैं तंदूरी के ऊपर कितने अच्छे से चाट मसाला दिया हुआ है, ग्रीन चिलीज एंड लेमन। आई कैन नॉट टेल यू मैं कितने 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 दिनों बाद खा रही हूँ इंडियन कुजीन, वो भी चिकन तंदूरी। तो पता नहीं मैंने लास्ट मैंने अपने कभी वीडियो में खाया भी है कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। सो आई लव चिकन तंदूरी, वेरी फ्लेवरफुल। यू कैन सी मीट के अंदर तक मसाला इन्फ्यूज्ड है इतने अच्छे से। चटनी इज टैंगी, स्वीट एंड स्पाइसी। आई डोंट नो चटनी स्वीट क्यों है, बिकॉज धनिया पत्ता की चटनी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी स्वीट, बट आई नीड टू आस्क ये मीठी क्यों। ये स्मोकी फ्लेवर है, बहुत अच्छे से आ रहा है आप है। कभी कभार क्या होता है तंदूरी बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो उससे टेस्ट बहुत जला जला टेस्ट होता है। बट ये दोनों एकदम सही टाइम पर एप्ट वे में इसको स्मोक किया हुआ है, निकाला हुआ है। इसका जो क्रिस्पीनेस है ना, मेरे को बहुत पसंद है। कमेंट करके बताओ किस किस को पसंद है, बिकॉज आई लव दिस। ये जो ये स्मोक पोर्शन रहता है ना, बर्न पोर्शन, आई लव दिस। सो अब ये आ गया मेरे पास मेरा मेन कोर्स। हियर वी हैव गॉट सम बटर तंदूरी रोटी, मिक्स्ड रायता। ओके, रायता के अंदर वी हैव टमाटर, वी हैव प्याज, वी हैव खीरा। ये आ गया मेरा मटन रोगन जोश, वी हैव फोर पीसेज अप हियर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एंड हियर वी हैव गॉट द हांडी चिकन बिरयानी, एंड ऑल्सो आई हैव गॉट मिक्स्ड अचार। वाओ, आई लव दिस प्याज, लाइक कांदा, दिस स्मॉल प्याज। मटन कितने अच्छे से पका हुआ है, इट्स फैबुलस। द ग्रेवी इज सो फ्लेवरफुल, इतने अच्छे से इसका मटन का जो मीट है वो इतने अच्छे से बॉयल हुआ है, कुक हुआ है। दिस इज अमेजिंग। ट्रस्ट मी, इतने दिनों बाद मैं इंडियन खाना खा रही हूँ, एंड आई चोज द वेरी राइट प्लेस टू हैव इंडियन फूड। इंडियन फूड इज समथिंग ना, यू रियली नीड टू ईट द राइट फूड। अगर थोड़ा सा भी टेस्ट एंड फ्लेवर्स में ऊपर नीचे होता है ना, आपका मूड एकदम ऑफ हो जाता है। आई लव आलू इन बिरयानी, लव 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 आलू। ओके, देयर इज अंडा ऑल्सो इन द बिरयानी, और इसके अंदर, अरे वाह, वेरी गुड, इसके अंदर दो पीस चिकन का है, दैट्स ग्रेट। इस बिरयानी लुक्स क्वाइट डिफरेंट, आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा है, हर एक चावल में प्यारा सा कलर है, एंड बीच में ये हल्का सुनहरा केसरी कलर है, एंड दिस लुक्स क्वाइट फ्लेवरफुल। ऐसा नहीं है कि यू ना आधे चावल सफ़ेद है, आधे चावल येलो है, दिस लुक्स क्वाइट गुड। एंड आप देख सकते हैं इसमें कटा हुआ मसाला डाला हुआ है, लाइक भुजा हुआ प्याज है, एंड देन यू हैव ब्लैक पेपर। द बिरयानी इज़ रियली रियली वेरी फ्लेवरफुल, वेरी वेरी गुड। जैसे कि मैंने कहा, हर एक दाने में यू नो फ्लेवर्स है, सो काफ़ी अच्छा है। एंड मुझे भुजा हुआ प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, चिकन के अंदर भी काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं। इट्स नॉट ड्राई, इट्स क्वाइट मॉइस्ट। खाना इतना टेस्टी था कि मैं रायता खाना ही भूल गई, चलिए रायता ट्राई करता हूँ। ठंडी ठंडी दही एंड उसमें ये क्रंची वेजिटेबल्स का टेस्ट एंड क्रंच इज अमेजिंग। थिंग इज कॉस्टेड आज रुपीज 1856 रुपीज। डेफिनेटली जादू कढ़ाई में आके डेफिनेटली खाइएगा। सो ही इज द गाय मिस्टर अशी महांतो। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से हम लोग को सर्व किया। दूसरी बात, मेरे को एक चीज पूछना, वो जो धनिया पत्ते की चटनी थी वो इतनी मीठी क्यों थी? लेकिन क्या है ना, जो चटनी जो बनता है उसमें बहुत तरीके का सामान डाला जाता है, जैसे कि उसमें चीनी है, हरा मिर्ची है, लहसुन है, धनिया पत्ता है, पुदीना है, और भी बहुत सारी चीज़ डाल के उसमें बनाया जाता है। तो एक तरीके से तो नहीं बनाया जाता, तो चीनी डालता है थोड़ा, इसीलिए मीठा बनाया जाता है। नहीं, आप लोगों का स्पेशल है क्या यहाँ पर? क्योंकि ऐसे धनिया पत्ता की चटनी मैंने पहले नहीं खाया कभी। लेकिन स्पेशल तो है, लेकिन वो छोड़ के और भी बहुत सारे आइटम है, जैसा कि हमारा अपना इंडिया चाइनीज का जो चटनी है, अच्छा, वो भी इससे भी बढ़िया है, वो बहुत मतलब हिफाजत से बनाता है,
अच्छा भी है। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? हम 12 साल से। 12 साल से। अभी पैंडेमिक में जो भी चीज हुआ है सभी को इफेक्ट हुआ है, आप लोगों का यहाँ पे सब काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ, एकदम। हाँ, आप लोग का अपना प्रिकॉशन वगैरह सब ठीक से ले रहे हैं? आप देख ही सकते हैं, ही इज वेयरिंग अ कैप, ही इज वेयरिंग मास्क, ही इज वेयरिंग डबल मास्क इन फैक्ट। अगर आप आसनसोल में रहते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अभी भी आसनसोल आते हैं तो डेफिनेटली जादू कढ़ाई में खाना खाइएगा एंड मिस्टर अशी महंतो से डेफिनेटली सर्विस लीजिएगा। Because he's a really good guy. Thank you so much. फिर कभी आएंगे तो कभी मिलना पाएगा। Thank you so much. So अभी बज रहे हैं 3:30-4 something. My God, किसे पुचका, पुचका, पुचका. I wish to have. सुना हमारा लंच हो चुका है एंड लंच वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. So we are heading towards the mall. कहते हैं इट्स अ बिग मॉल इन आसनसोल व्हिच इज द सेंट्रल मॉल. लेट्स सी, देखते हैं कि यहां का मॉल कैसा है. वाओ, द व्यू इज सो गुड, लुक एट द व्यू. कितना अच्छा लग रहा है ना बिट्टू, ये वाला व्यू, ब्लू ब्लू न्यू टाउन जैसा लग रहा है ये वाला एरिया. नॉट बैड, काफी बड़ा मॉल है यार. बिट्टू भैया, बिट्टू भैया, लुक एट द क्लाउड, इज सो गुड. तुम हमेशा बाल क्यों ठीक करता है? इट्स लाइक इट्स अ सेल्फी कैमरा, इट्स नॉट योर मिरर. पेस्ट्री खाएगा? ए, तुम ऐसे पूरा मानक की तरह लग रहा है, तेरा आईज पूरा जस मानक की तरह है. पागल है? सच बोल रही हूँ. मेरे को तेरा जूता बहुत सेक्सी लगा, तेरा जूता सही है. सो गाइस, आई एम गोइंग टू बाय द स्टफ्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रांड? यूसुफ सोल. यूसुफ सोल. इसका आउटलेट कोलकाता में नहीं है ना? कोलकाता में है? I've always, आप लोगों को पता है मैं हमेशा मोमोसा से खरीदती हूँ, तो चलिए आज यूसुफ से कुछ खरीद लेते हैं. आई एम बाइंग दिस वन. दिस वॉर्म यू, दिस लुक्स वेरी क्यूट एंड कम्फर्टेबल. हाउएवर दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट, आई लव बैम्बो. सो आई एम बाइंग दिस एंड आई एम बाइंग दिस स्लिपर बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच आई लव 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 स्लिपर. सो यस, अभी फिलहाल आई एम बाइंग दिस. रेस्ट मैं और भी सामान खरीद लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में इसका एक हॉल दिखा दूंगी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आई बॉट. ओके, चलो बाय. Coffee is much needed. However, Prachi and Bittu Bhaiya is having ice cream. Choose your ice cream. Yeah. So I have got quite a few items from Usukoso. मुझे पता नहीं इस ब्रांड के बारे में. Well, अभी हम जा रहे हैं फूड कोर्ट. खाने का जगह तो है नहीं पेट में बिल्कुल भी, बट स्टिल आपके लिए मैं चली जाती हूँ, दिखा देती हूँ ऊपर क्या क्या है. बेसिकली दिस इज बिग बाजार एंड ये शायद पीछे का गेट है. इधर यू हैव फूड कोर्ट. हम लोग को लगा था ऊपर है, हम लोग ऊपर गए थे बट ऊपर नहीं मिला. सो देयर इज द फूड कोर्ट. चिक ब्लास्ट, आई डोंट नो सम, आई थिंक बर्गर्स एंड फ्राइज, क्रिस्पी चिकन, ग्रिल चिकन काइंड ऑफ स्टफ. देन वी हैव दिस Gola stuff, then we have this roll house, so all the kinds of roll you can have. Then we have this Banarasi paan, let's have the paan. Then you have this counter, yahan par peppery hai, and yahan par sara Chinese roll, everything is available. And this is the place, as you can see, the papri chaat wala. एक दिन स्टे करते आसनसोल में, सो आई कुड हैव ट्राइड ऑल द यमी डिलीशियस फूड अप हियर. आई वांटेड टू ट्राई द रोल हियर बट हाउएवर नॉट पॉसिबल बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फूड सिंस मॉर्निंग. सो बेटर अभी बिकॉज आई वांट टू ईट, कौन सा जगह का था रोल? Bobby's. I really want to have a roll from Bobby's snack, so that's the reason I really need to digest the food I had till now. So I'm having paan. And yeah, paan does help you in digestion of food. कौन सा रोल? इट्स नॉट बबलू रोल, इट्स बॉबी स्नैक्स. बॉबी स्नैक्स इन जीटी रोड. जीटी रोड इज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. ओ ज्ञानी बाबा, बस हो गया आज के लिए, ज्ञान काफी था. इतना ज्यादा जाम है और ये बॉबी स्नैक्स को मिल ही नहीं रहा है. यहाँ कितना कुछ खाने का है. बॉबी स्नैक्स कहाँ हो तुम? बहुत थक गए हैं, मिल भी जाओ अब. मिनी बड़ा बाजार ऑफ कोलकाता. मिनी भी बड़ा भी
मिनी बड़ा बाजार वो लोकल बड़ा बाजार लोकल बड़ा बाजार नहीं मिनी बड़ा बाजार यस प्लैनेट बोल लो यस प्लैनेट बोल लो ये तरह क्या कह रही है honestly it was really 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 very tiring much needed so this place bobby snacks has been suggested by I am shruti ऑन इंस्टाग्राम तो उन्होंने कहा था कि GT रोड में बॉबी स्नैक्स का रोल डेफिनेटली खाइएगा सो इनके बेसिकली मैंने अंकल से बात किया जो इधर के ओनर है हम इधर आए थे टीपी मार्केट वाले बॉबी स्नैक्स में विच इज़ द ओल्डर वन एंड इधर जब देखा तो इधर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे देयर वाज ओनली ऑप्शंस फॉर रोल एंड चिकन कटलेट एंड टिक्किया वगैरह एंड द न्यू बॉबी स्नैक्स इनका और एक खुला हुआ है विच इज़ 10 minutes अवे फ्रॉम दिस प्लेस वहाँ पर देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी वो एरिया ऑलरेडी हम लोग छोड़ के आ चुके थे सो इट वॉज़ रियली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो बैक अगेन बिकॉज हम लोग अभी तक सुबह से जो भी जर्नी की हम लोग गाड़ी में कर रहे हैं एंड इधर इस बॉबी स्नैक्स में जाने के लिए हमें अपना गाड़ी 10 मिनट पीछे पार्क करना पड़ा उसके बाद वी वॉक्ड एंड द मार्केट वॉज वेरी क्योटिक बहुत प्रॉब्लम हुआ इसलिए आई जस्ट टुक माई ऑर्डर एंड आई केम इन द कार सो आई जस्ट गेट फ्रेशन अप उसके बाद आई हैव इट सो ये सैलड है इसके अंदर काफ़ी सस्ता है 65 rupees में स्पेशल रोल एंड 30 rupees का चिकन कटलेट सो आई गॉट द स्पेशल एग चिकन रोल मैंने उनको बोला था कि इसके अंदर ना ड्राई बनाने के लिए स्पाइसी देने के लिए और नींबू देने के लिए क्या क्या गिर गया ये स्टफिंग तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के अंडा भी है बट इसका अंडा बाहर क्यों दिया पराठा का एंड दिस चिकन तो चलिए खा के देखते हैं श्रुतिज रिकमेंडेशन वॉज वेरी राइट एंड वेरी स्पेशल ये रोल काफ़ी अच्छा खाने में वेरी लाइट आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना नॉर्मली कबाब दे देता है और सूखा लाइक कच्चा प्याज रहता है बट इसके अंदर जो है ना देयर इज एक बहुत अच्छा सा मैरिनेटेड चिकन है जो ऑलरेडी प्याज में भुंजा हुआ है एंड इसके अंदर ये वाला जो प्याज है ना वो कच्चा प्याज नहीं है ये थोड़ा पका हुआ प्याज है विच इज लाइक फ्राइड प्याज इसकी वजह से टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है एक अंदर ऑमलेट है एंड एक पराठा के बाहर ऑमलेट है एंड चिकन स्टफिंग है एंड दिस इज कॉस्टेड ओनली ₹65 विच इज लाइक वेरी वर्थ एंड इट्स वेरी नाइस इतना जो मेहनत हम लोग गए भीड़ में गए लिए आए खाए इट्स वर्थ ये है उनके यहाँ का चिकन कटलेट कैलकटा में तो चिकन कटलेट ऐसा होता है कि अंदर चिकन ही नहीं रहता है ये थोड़ा डिफरेंट है सो बेसिकली चिकन को ग्रेट करके एक मसाला बना के फिलिंग फिर डाला हुआ है आई डोंट लाइक दिस वन दिस कटलेट पता नहीं खा के शायद अच्छा लगे कम बोलो ना दिस इज नॉट कटलेट दिस इज चॉप जैसे वेजिटेबल चॉप का फिलिंग होता है ना वैसा है So this was all about the trip of Asansol in a day. Thanks to both my food fam Iram Khan_5 and I am Shruti for recommending me this wonderful places to eat. And definitely और भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें recommend की थी but एक दिन में इतना करना possible नहीं है कमेंट करो वरुण बजाज को कि वो मेरे को एटलीस्ट 2 दिन के ट्रिप पे लेके आया सेम डे ले आके सेम डे वापस ले जाता विच बिकम्स रियली हेक्टिक अभी इस व्लॉग को यहाँ खत्म करती हूँ आई रियली होप यू लव दिस वीडियो एंड इफ यू डू सो देन एज ऑलवेज से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम टिल देन व्हाट टिल देन हैप्पी ईटिंग हैप्पी ट्रैवलिंग हैप्पी एवरीथिंग बाय बाय टाटा So the journey ends and Asansol says thank you visit again we will surely visit again